राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सिस्टम पार देंगे तो भाई मौसम कभी खतरनाक हो रखा। और देखो मौसम, देखो गाय भाई 14 घंटा हो गए लगातार बारिश पड़ते पड़ते। भाई हमारे मौसा के धान डूब गए और यू मजे ले रहे हैं मौसा। देखो भाई धान है भाई मौसा के। तो भाई मौसम कभी तगड़ा हो रखा। और भाई कुछ पल क्या हाल चाल, बढ़िया। हेलो भाई, तो ब्याह ब्याह चट रहा तेरा पंडित हो ना। मैं सुनिए पंडित तेरा ब्याह ब्याह चट रहा हो ना भाई। भाई नट हैं। अरे वो छतरी है तिकाओ, छतरी टूट गई थी। हां ये देख लो, छतरी अभी से टूटने लगी गाइस। बताओ ओए फेंक में जा। अपना रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हो गया। मुकेश का कॉल आया था भाई टायर टायर के लिए। अब जाएंगे कल टायर लेके आएंगे। तगड़ा ब्लॉग होने वाला। मौसम का भी गार्डन गार्डन हो रहा। हाँ जी मित्रों, की हाल चाल है। दिल चोरी दिल चोरी साटा हो गया। तो गाइज ब्लॉग में बने रहे। मौसम का कदी गार्डन गार्डन हो रहा। तो गाइज भाई मैं आया था भाई खेत पे और आप देख ही सकते हैं भाई कितना नुकसान हो रखा है। खेतों में पानी भरा हुआ है और बाजरा की जो कंडीशन है भाई आप देख ही सकते हो किस तरीके का भाई बाजरा हो रखा है इधर से उधर। मतलब धान और मिर्च और जो बैंगन टमाटर जितने भी हैं भाई सब बर्बाद हो गया। 14 घंटे भाई लगातार बारिश पड़ती हुई, मतलब पड़ी पड़ रही है भाई 14 घंटे से लगातार। वो तो आज मौसम पता नहीं कैसे खुली गया भाई। और ये चेक करो भाई, देख रहे हो खेतों में पानी भरा हुआ पड़ा है भाई। मिर्च का एक एक पेड़ भाई एकदम डैमेज ख़त्म। में दिखाता हूँ, देखो अंदर जा रहा भाई खेत के। ये देख रहे हो ये भाई पूरा मतलब ऐसे ही हर एक एक पेड़ है भाई पूरा बर्बाद हो गया है भाई। अपनी चरी तो भाई ख़त्म है भाई एकदम। बस ऊपर ऊपर से ट्रलक ट्रलक काट के काम चला लेंगे इधर चढ़ने। देखो किस तरीके की हो रखी है, देख रहे हो ना भाई। धान दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इधर से उधर वो भी लूट पीट हो रहे हैं। बहुत नुकसान है भाई। देखो भाई धानों की हालत, अब बताओ क्या कर सकते हैं। देखो इसमें भी दो तरह के धान हैं, इसमें 17-18 और 15-09 है। देखो 17-18 पक गया और देखो उस तरफ खड़ा है ना वो रख जो है उसमें बाली नहीं निकली है। दो तरह का धान है। देखो ये भी धान बिल्कुल ख़त्म। यहाँ पर मैं अभी चल रहा हूँ फिलहाल में भाई, जो पिछली बारिश हुई थी तो यहाँ पर इतना पानी था कि निकलना भी मुश्किल था। तो भाई अपना आए हैं खेत पर और कुछ काम है जो मिर्च के भाई चारों तरफ डंडे हैं वो भी गार्डन है। लो देखो गाइस आगे भाई पानी भरा हुआ पड़ा। सारे भाई ब्लॉग में बने रहे जितने भी नए भाई हैं। ये लो पानी देखो भाई, भाई एकदम जो रोड है ना उससे छबके है भाई। बस ये मान लो ये रोड ही रोड है ना तो थोड़ा बहुत सूख गया है वो भाई। डर सा लग रहा भाई, ऐसा लग रहा मेला कूद रहे ना पानी में तो ऐसा लग रहा भाई सांप वगैरह ना आ जाए। अब देखो भाई ब्लॉग में बने रहे सारे भाई। देखो भाई चप्पल अपनी हाथ में ले लेंगे और चलते हैं भाई। पानी भाई स्टार्ट हो गया यहाँ से। वो आगे भाई धान वगैरह ये सब चीज़ दिखाऊंगा मैं किस तरीके का नुकसान हो रखा। बारिश भाई बहुत ज़्यादा ही पड़ चुकी है। मौसम तो देखो भाई तो आज भी बादल हो रखे हैं और कल भी बादल। कल तो भाई बारिश पड़ी थी 14 घंटे कल ही पड़ी है, उससे पहले ही पड़ी थी 2-3 दिन पहले। तो देखो पानी तो जो भाई अपने दीपक भाई के धान है पूरे ख़त्म डैमेज। ऐसा लग रहा भाई कि मतलब मशीन से कटवा दिए क्या हो रखा। हाँ भाई संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि भाई पानी बहुत, देख रहे हो ये देख। तो भाई आगे तो पानी बढ़ता ही जा रहा। भाई बारिश कुछ ज़्यादा पड़ी है हद से ज़्यादा। और भाई अंदर के अभी जो स्रोत है ना वो भी नहीं खुले, उन स्रोत खुल जाते ना भाई तो ये मान लो इतना ही धानों में पानी है रोडों पर पानी है ना ये गर्म हो जाता। और देखो यार ये तो भाई पूरे धान डूब गए, ये वाले धान पूरे डूब गए, ये भी डूब गए भाई। देखो ये इनमें कितना कितना पानी है। सिर्फ भाई बाल बाल है ना वही चमक रही है बस,
और दो चार दिन में भाई ये मान लो बस पकने का टाइम हो रखा है इनका। हाँ तो भाई कहते हैं ज़्यादा पानी है भाई, यहाँ संभाल के निकलना पड़ेगा। अपने भी भाई धान अभी तक खैर बच ही गए हैं, पर नुकसान तो है भाई। देख रहे हो भाई धान पीले पड़ रखे हैं, पानी तो भाई ज़्यादा है ही भाई। बताओ ये 8-10 दिन में पानी सूखेगा और भाई तब तक धान भाई एकदम, धान तो खैर रेडी है कटने के लिए, पर ये भाई जो नुकसान है वो तो हो ही गया। इस वाले क्षेत्र में सबसे आगाई धान यही है भाई। देखो नहीं अभी तो इनमें बाल निकल ली है क्योंकि भाई ये तो ग्रे से लिए गए भाई, इनमें वजन पड़ गया काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से भाई फर्क पड़ा तभी तो गिर गए भाई ये। गिर देखो पानी तो अभी खड़ा है यार, लगातार पानी, वो पानी तो भाई ये वाले मान के चलो वहाँ से आ रहा कम से कम 2-2 किलोमीटर से ऊपर से पानी आ रहा भाई यहाँ खेतों में नीचे, क्योंकि भाई ये खेत भी नीचे पड़ जाए। और अपना एक तो भाई ये रेलवे ट्रैक है ना, उससे थोड़ा पानी रुक जाता है और पानी बाद बाकी का सही चल रहा अपना। तो गाइस अपना चलते हैं, तो गाइस अपना चलते हैं और आगे ब्लॉग में बने रहें, अपना काम है मिर्चों का डंडे वगैरह गाड़ने, तो सारे भाई ब्लॉग में बने रहें, चलते हैं गाइस। ये देखो गाइस देखो, इसे बोलते हैं भाई सोत, अंदर बोरिंग चल रहा पानी खींच रहा भाई दबा के एकदम, वाटर लेवल बहुत ऊंची कर देगा। देख रहे हो किस तरीके का पानी चल रहा भाई, भाई एकदम दबा के पानी चल रहा तुम्हारे ताऊ का, ताऊ मतलब बोरिंग वगैरह खोल के चले गए थे तो भाई चल रहा, देखो इनमें भी पानी खड़ा दबा के। तो भाई लगातार 6 घंटे काम करने के बाद ही अपना काम फ्री हो गया है, और काम ये था कि भाई जो भी मिर्च है ना 3-4 घंटे भाई इस पर लगातार काम किया कि जो उसके चारों तरफ हमने डंडे लगा दिए भाई। तो मैं पता भाई बाजरा काफ़ी नुकसान हो रखा, तो कुछ तो शुगर पहाड़ी वगैरह हैं उसकी वजह से हो रखा नुकसान। तो भाई जितनी हमारी धान की जो खेत की मेड़ थी ना भाई एकदम पूरी डैमेज कर दी ख़त्म। तो भाई अपना काम करके फ्री हो चुके हैं, अब अपना टाइम हो गया भाई जाने का ड्यूटी। तो भाई एक बात और बोलना चाहूँगा, अपना टाइम तो आएगा जब तक भाई ये जो बुराई कर रहे हैं ना ये लोग, करने से कोई दिक्कत नहीं है भाई, कब तक करेंगे। तो भाई अपना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो भाई टाटा।